सारण बिहार से जामनौर और प्रखंड में बहुत जल्द आमजनों के सहयोग करने के लिए एक संस्था होगी जिसमें शिकायतों का निपटारा होगा। बताते चले कि सरकारी विभाग में अगर आपको किसी काम को कराना है तो बिना चढ़ावा के नहीं हो पाना, कहीं न कहीं भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसको लेकर सरकार ने भी अपनी ओर से सूचना का अधिकार एवं कई कानून बनाए हैं, लेकिन इसका पालन होता हुआ नहीं दिख रहा। अक्सर अपने मनमाने तरीके से निडर लूट की योजना कागजों में सिमट के जा रही है। इन सभी को देखते हुए आज सारण जिला के अमनौर में भ्रष्टाचार के खिलाफ स्थानीय पर्यटक स्थल बड़ा पोखरा के प्रांगण में समाजसेवी कुलदीप महासेठ की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। रविवार को आयोजित इस बैठक में मुख्य रूप से प्रखंड में तेजी से बढ़ रहे भ्रष्टाचार व अधिकारियों की मनमानी के खिलाफ आवाज उठाने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ सही लाभकों तक पहुंचाने पर बल दिया गया। बैठक में निस्वार्थ भाव से लोगों को इस अभियान से जुड़ने का आह्वान किया गया, जहां बैठक में उपस्थित लोगों ने इस अभियान से जुड़कर आम लोगों को सहयोग पहुंचाने तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में कदम से कदम मिलाकर चलने का संकल्प लिया। बैठक में मुख्य रूप से सत्येंद्र तिवारी, त्रिपुरारी सिंह, मनोज सिंह, जुनेद आलम, सोनू तिवारी, राणा प्रताप सिंह, संतोष यादव, इरफान खान, राजकुमार भक्त, राजू कुमार, कृष्ण मोहन तिवारी, राहुल कुमार, संजय कुमार आदि दर्जनों युवा शामिल थे। आज सारण जिला के अमनौर पर्यटक स्थल पर आज किस तरह का बैठक का आयोजन किया गया था आपके नेतृत्व में? ये प्रखंड स्तर पर बढ़ रहे असरशाही भ्रष्टाचार को लेकर आम जनता में एक रोष व्यक्त है। इसे देखने के लिए न तो सरकार है, न जो सरकार के जनप्रतिनिधि लोग सामने आ रहे हैं, तो समाज में ये दायित्व बनता है कि आगे आए, इसको जड़ से समाप्त करें ताकि आम लोगों को सहूलियत हो, सरकार की योजनाओं को जनता को मिले, जिसका हक है उसको मिले। इसको लेकर हम लोग युवा वर्ग में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें चर्चा हुआ कि हम लोग मिल के इसके लिए एक लड़ाई लड़ेंगे, और इस पर सभी लोगों ने अपना सहमति व्यक्त किया। यह बैठक के बाद जो है और युवाओं को जोड़ा जाएगा हर प्रखंडों से, हर पंचायतों से? जी, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए लोग जो तत्पर हैं वो इस के माध्यम से जुड़ेंगे, और हम लोग मिल के, सभी मिल के इस भ्रष्टाचार नामक ये समस्या को जड़ से समाप्त करने का संकल्प लेंगे। क्या एक संगठन का यह रूप ले पाएगा? निश्चित रूप से एक संगठन का रूप ले पाएगा। क्या नाम पड़ेगा आपका? कुलदीप महासेठ।